अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे होनहार वालों को आज जो है पहली क्लास शुरू करेंगे, ये नागरिक शास्त्र के बारे में करेंगे। पॉलिटिकल साइंस कहिए, राजनीतिक शास्त्र कहिए, नागरिक शास्त्र कहिए, ठीक है, इसके बारे में आपको इस सेगमेंट में सबसे पहले जो हमने चैप्टर लिया है वो संविधान निर्माण का लिया। देखिए बात क्या है, बेसिकली हम लोग आपकी किताब से सबसे पहले उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको हम टारगेट करेंगे। तो ये संविधान निर्माण का जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो और संविधान निर्माण होता क्या, संविधान क्या चीज़ है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊँ कि आपके इस किताब के मुताबिक जो एक केस स्टडी दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है इसमें, वो दिया है साउथ अफ्रीका का, यानी दक्षिणी अफ्रीका। कि दक्षिणी अफ्रीका जो है आपका, इसका इसमें मिसाल दिया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर जो नस्ल भेद का मामला था, वहाँ पर रंग भेद का मामला था, उसके खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में जो सर फेरिस आगे आगे रहे, उस शख्स का नाम आपके नेल्सन मंडेला है। आप देख सकते हो हमने लिखा है नेल्सन मंडेला नेमा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो नेल्सन मंडेला साहब को रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए जो संघर्ष कर रहे थे, तो इनको 1964 में गिरफ्तार कर दिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 1964 में। 28 साल तक ये इंसान जेल की सलाखों में रहा और बहुत बहुत इसके ऊपर प्रताड़ना इसके साथ किया गया, इसको बहुत अजियत दी गई, बहुत परेशानी दी, परेशान किया गया साहब ने, बहुत तकलीफ दी। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज थी, जरा सोचिए आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपकी कामयाबी का जो राज है वो न मेरे पढ़ाने में है, न मेरे जैसे किसी और के पढ़ाने में। मैं बहुत साफ कह रहा हूं बात, और आप लोग मेरे मिजाज से वाकिफ हो, ये बात मैं ही कह सकता हूं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मुझे इसका कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि टीचर के पढ़ाने का एक फर्क तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अभी एहसास भी हमें हुआ है जब बहुत सारे बच्चे हमें तलाश रहे थे कि हमारे सर कहाँ गए, हमारे सर कर रहे हैं। लेकिन टीचर से भी ज़्यादा जो चीज़ किसी की कामयाबी में रोल प्ले करती है वो खुद वो इंसान प्ले करता है, और किसी इंसान की कामयाबी में जो सबसे अहम चीज़ है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़े पहले आपको, वो उसके अंदर का यकीन है कि वो कितना यकीन करता है अपने ऊपर, वो उसको कितना विश्वास है अपने ऊपर, उसको अपने काम को लेकर कितना विश्वास है, ये चीज उसे कामयाब करती है, प्रॉपर करती है, उसको उठा के आगे बढ़ा देती है। यही चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 साल तक एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे रहा। आप सोचिए किस यकीन के साथ रहा होगा कि एक इंसान जो अपने लिए नहीं कि किसी चोरी में गया था, किसी डकैती में गया था, किसी का मर्डर करके गया था या किसी पर्सनल गेन के लिए गया था, नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, वहां के काले लोगों के लिए, वहां के ब्लैक्स के लिए, निगरों के लिए, जिनको पर जुल्म ज्यादती की पहाड़ तोड़ी जा रही थी, प्रताड़ना की पहाड़ तोड़ी जा रही थी, उनके लिए गया, अपने नहीं गया। 28 साल, ये 28 साल नेल्सन मंडेला ने जो काटे हैं जेल की सलाखों के पीछे, जेल कोठरियों में, वो इसका यकीन था कि हाँ हम होंगे एक दिन कामयाब, ये यकीन इसका कि हम अपने लोगों की किस्मत के बदलने में सहायता कर सकते हैं, हम करेंगे, हम बदल सकते हैं, इस यकीन के साथ कि हम जीत सकते हैं, वो यकीन इस इंसान को लेके गए 28 साल। खुद नेल्सन मंडेला ने बात इस बात को कहा। तो खैर 28 साल तक ये आदमी लड़ता रहा, अल्टीमेटली 1992 में, 1992 में इनको छोड़ा गया, और उसके बाद नेगोशिएशन चालू हुआ जो गोरे थे और काले इन दोनों के बीच में, गोरों के हाथ में हुकूमत चली थी, वो लोग इस बात पर मजबूर हुए, जगह जगह प्रोसेशन करने चले गए थे। तो अब बैठ के बातचीत की बात हुई और एक नए संविधान बनाने की बात हुई, सत्ता वहां के जो निगरों थे, जो काले थे उनके पास है। अब जो निगरों थे और काले लोग, अब जब ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं संविधान, तो संविधान बनाते वक्त इन लोगों ने उनको माफ कर दिया, उन गोरों को, और माफी नहीं किया उनको, जो है कहा कि आप हमारे बराबरी के हिस्सेदार हैं, आप हमारे भाई हैं,
और फिर जो कानून बनाएगा सबके लिए एक समान बनाएगा। तो उसी का मिसाल आपके किताब की शुरुआत में दिया हुआ है और इसी वजह से जो नया कानून बनाया गया, नए संविधान लागू किया गया, तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक दुनिया के नक्शे पर नया गणराज्य के तौर पर उभर के आ रहा है सामने, एक नए गणराज्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका उभर के आ रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 26 अप्रैल 1944 को दक्षिण अफ्रीका एक नया गणराज्य बन रहा है अपने एक नए संविधान के साथ, जिसे सबको समानता का अधिकार दिया गया, बराबरी का अधिकार दिया गया, सबको सम्मान दिया गया। तो इसी चीज को ये समझाया, इसलिए कहता हूँ बैकग्राउंड उस पर है आपके, बेसिकली आपको जो फोकस है, आपका जो फोकस है इस चर्चा का, वो आपके खुद के संविधान में निभा हुआ है, लेकिन उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ कि किस तरह से वहां पर स्ट्रगल चला, कैसे चीजें बदली। तो इनमें ये 3-4 चीजें आ रही है, नेल्सन मंडेला गिरफ्तार कब हुए थे, कितने साल के जेल में थे, कब जेल से छूटे, उनसे मानवीय छूटे, और कब दक्षिण अफ्रीका एक नया गणतंत्र बना, 26 अप्रैल 1994 को बना। अब आइए जरा हम बात करते हैं भारत के संविधान निर्माण की। तो एक बात आप सबको ध्यान रखनी चाहिए, पहली बात ये कि सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए वो ये कि आखिर संविधान निर्माण है क्या चीज, या संविधान है क्या चीज। तो संविधान किसी भी देश के को चलाने के लिए जो कानून होता है उसको संविधान कहते हैं। देश कैसे चलेगा, किसकी क्या शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, कार्यपालिका क्या कर सकती है, विधायिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका क्या कर सकती है, लोगों के अपने राइट्स क्या होंगे, ठीक है। इन तमाम चीजों को जो गाइड करती है देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनते हैं, उन बने हुए नियम कानून को संविधान कहते हैं मोटे तौर पर। तो उसी संविधान के अनुरूप, उसी संविधान के मुताबिक देश जो है चलता है और देश को चलाया जाता है। तो हमारे देश में तो आप संविधान समझ गए, संविधान देश चलेगा कैसे, इससे रिलेटेड इसके लिए जो कानून है उसको संविधान कहते हैं, जो कानून बनाया गया है उसको संविधान कहते हैं। और किसी देश को कैसे चलना है, किसकी क्या शक्तियां होंगी, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, इन तमाम कानून को जो इकट्ठा करके जो चीज़ बनाई जाती है उसको हम संविधान कहते हैं। संविधान कानून की किताब है, विधि की किताब है, इसी के अनुरूप जो है देश को चलना है, इसी के अनुरूप देश का राष्ट्रपति चलता है, देश का प्रधानमंत्री चलता है, देश के तमाम अधिकारियों को चलना होता है, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चलना होता है, इंसानों के जैसे नागरिक के क्या अपना अधिकार है और किन किन लोगों के क्या अधिकार हैं, संस्थाओं के क्या अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें उसकी जो है गाइडलाइन जो मिलती है वो संविधान से मिलती है, क्लियर है। अच्छा, अब अगली बात संविधान निर्माण की बात। तो हमारे देश में संविधान निर्माण का जो एक इतिहास है वो एक लंबा इतिहास है। लंबा इतिहास क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी रेगुलेटरी एक्ट जो स्टार्ट किया 1773 में, वहां से चालू होते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट और फिर जो है मॉडर्निटी रिफॉर्म और मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म, तमाम चलते आ रहे थे। लेकिन जहां पर डायरेक्टली भारतीयों की कोशिश संविधान को बनने बनाने के द्वारा रही, वो पहली कोशिश 1928 में जो नेहरू कमीशन कहते हैं, नेहरू जी के साथ, नेहरू जी से मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके फादर, इनके पिता एक बहुत बड़े नेता हमारे देश के रहे हैं और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता के रहे हैं, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी, तो उस कमीशन में और भी सामान्य लोग थे, इन सब ने मिलकर एक संविधान तैयार किया था देश के लिए, जो अंग्रेजों से चैलेंज के ऊपर बन गया था मामला, जो सब हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब हम लोग आएंगे भारत का राष्ट्रवाद पढ़ने के लिए, कि उसमें ये चीज़ आएगी कि साइमन कमीशन का जो पूरा इशू हुआ था। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि नेहरू कमीशन का जो रिपोर्ट था वो बेसिकली एक संविधान के तौर पर आ गया कि देश में हमारे कानून कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके अनुरूप जो उसको पेश किया गया था। तो संविधान निर्माण में जो स्टार्ट हो रहा है इस मामला, वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बात ये रखना, याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में 28 में बनी थी, 29 में इसने रिपोर्ट दिया था अपना। दूसरी बात, 1931 में कराची में, कराची पाकिस्तान पड़ता,
आप जानती हो, लेकिन जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान का मतलब है सब एक है देश का। तो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास होता है कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए और हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको लेकर एक प्रस्ताव पास होता है वहां पर। और इसमें याद ये रखना है, बहुत गौर से सुन लीजिएगा, कि 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें जो थी वो संविधान के मामले में हमारे गाइडेंस बनी, एक जो है एक सिद्ध तय किया जाएगा कि कैसे संविधान बनाया जाएगा। फिर 1935 का जो एक्ट आया, जो उसको भारत सरकार कानून कहते हैं और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो भारत सरकार अधिनियम, बेसिकली कानून का अधिनियम। तो ये जो 1935 का आया, इसकी बहुत सारी चीजों को हमने, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा है तो हम अपने संविधान में उसको शामिल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो यहां से भी हमें बहुत मदद मिली अपने संविधान के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं संविधान निर्माण की। तो संविधान निर्माण में सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके लिए, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ पूरे देश में। जैसे आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाने की बता दूंगा आपको, जैसे आजकल राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं कि स्टेट के MLA जो होते हैं उनके अपने कोटे से वहां से चुन के आते हैं हम लोग, उसमें हम लोग कोई रोल नहीं होता है, MLA चुनते हैं राज्यसभा के MP को। उसी तरीके से अलग अलग प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उस वक्त, प्रोविंशियल असेंबली मतलब प्रांतीय असेंबलीज जो थी, वहां से इसके लिए संविधान सभा के लिए लोग चुन के आए। बस और ये वहां से लोग चुन के आए और संविधान सभा के लिए, तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था, एक बात तो ये। दूसरी बात जो अच्छा संविधान सभा क्या चीज है, जैसे आप पार्लियामेंट देखते हो, पार्लियामेंट जो संसद के अतिवा यही बिल्डिंग है जिसमें इसकी बिल्डिंग चल रही थी, एक बात तो याद रखिएगा, इसको पहले सेंट्रल असेंबली कहते थे, इसी का नाम बाद में संविधान सभा क्यों, क्योंकि जो सभा इकट्ठी हुई थी वहां पर उसका मकसद था संविधान बनाना। क्या मकसद था? संविधान का बनाना, इसलिए इसको संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है देश में वो जुलाई 1946 में हुआ है, ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हो रहा है, ठीक है। और ये जो चुनाव हुआ है इनका, तो चुनाव जब हो जाएगा लोग आएंगे तो लोगों की बैठक भी होगी, क्यों भाई बैठक होगी, तो जो पहली बैठक हुई है, पहली बैठक वो दिसंबर 1946 में होगी। तो बस और ये दिसंबर 1946 में, तो ये क्या चीज, संविधान सभा यानी लोग चुन के जो आज आप पार्लियामेंट देख रहे हो उसमें पहुंचे, संविधान बनाने के लोग इकट्ठे हुए थे, तो इसीलिए उसको संविधान सभा कहा गया। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं इसको, जहां वो इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें वो इकट्ठे हुए। तो उस चूंकि मकसद जो था उनका, जो टारगेट था उस संविधान को बनाना था, इसीलिए उनको संविधान सभा कहा गया, ठीक है ना। अगली चीज जिस बताया मैंने आपको कि उनका जो इलेक्शन हुआ 46 में हुआ, इनकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, और इसमें बाद में आप जाहिर सी बात, अच्छा जब ये बैठक होगी तो जैसे आप जानते हो कि हमारे देश की जो संसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेज हैं, तो उनको चलाने के लिए जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो उसी तरीके से संविधान सभा को चलाने वाले इंसान को अध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया? प्रेसिडेंट। अध्यक्ष
तो संविधान सभा में आप अध्यक्ष के तौर पर दो बातें आपको बहुत खास जहन में रखनी है। अध्यक्ष के तौर पर अगर संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछेगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम प्रेसिडेंट कहेंगे इनको इंग्लिश में, तो वो होंगे आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हैं, प्रोटेम प्रेसिडेंट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर संविधान सभा के सिर्फ अध्यक्ष की बात पूछी जाएगी, तो संविधान सभा के सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाएगा जब, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो हमारे जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात हम लोग करेंगे कि संविधान सभा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की, तो अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होंगे, प्रोटेम प्रेसिडेंट। लोकसभा में इस तरह से होता है, अस्थाई अध्यक्ष लाया जाता है जिसको स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर, और फिर जो अस्थाई अध्यक्ष होता है जब आया जाता है वो तो हट जाते हैं, ठीक है, उनको फिर स्पीकर कहते हैं। तो उसी तरीके से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये सबसे सीनियर मेंबर थे उसमें, तो उसने इस वक्त सीनियर मोस्ट बना के वहां पर बहुत बड़ा दिलाया था, शपथ दिलाई थी। उसके बाद जिनको अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगली बात, अब जब आपने संविधान सभा बना लिया, संविधान सभा के में मेंबर बैठे हुए, अध्यक्ष साहब है, अब ये चलाएंगे पूरे हाउस को, पूरे सभा को, तो हर आदमी कानून का बहुत बड़ा जानकार तो जरूर नहीं उसमें, बस ये तो कानून के जो जानकार, जो विधि न्याय के इतबार से, और जो ये जो कानून है, विधि है, इसको लॉ है, इसको जानने के इतबार से जो तो बड़े एक्सपर्ट टाइप के लोग थे, उनकी एक टीम बनाई गई और उसको कहा गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की टीम बनाई गई उन्हीं सभा के अंदर से, जो सभा थी संविधान सभा, उनमें से बनाई गई प्रारूप समिति। अब ये कमाल ये है यहां पर कि प्रारूप समिति जो थी इसका काम क्या था, पहले तो प्रारूप समिति का काम ये था कि ये कानून लिखकर, ठीक है, जो जो कानून बनने हैं उसको लिख लिख कर प्रावधान उसका लेकर वो संविधान सभा में आएंगे, उसको संविधान सभा के टेबल पर रखा जाएगा, सारे मेंबर्स को उसकी प्रति दी जाएगी, सारे मेंबर्स उसको पढ़ते थे, उस पर डिबेट होता था, और अगर सबने सर्वसम्मति से पास कर दे तो वो संविधान का हिस्सा बनता जाता था। तो इसके लिखने वाली जो टीम थी, 6-7 जो लोग थे, उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में संविधान का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता जिसको कहा जाता है, उस आदमी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब जाहिर सी बात है यही लोग बैठ के लिख रहे थे तमाम चीजों को, ठीक है, तो उन लिखने वालों के चेयरमैन, उन लिखने वालों के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। अब इनके अंडर सब लोग कह रहे थे, पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, तो इसीलिए लिख लिख के लाते थे। अब जो लिख लिख के लाते थे उस पर डिबेट होता था, अगर कोई चीज पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो उस पर फिर तब्दीली भी की जाती थी, बदलाव भी किया जाती थी। इसी डिबेट, ये जो चलता था संविधान सभा में, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कहते हैं, यानी संविधान सभा की
वाद विवाद जो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं इसको। इसको जो है ये पूरे डिबेट को रखा गया है, इसको रिकॉर्ड करके इसकी कॉपी इसकी किताब की शक्ल बना के 12 वॉल्यूम में रखा गया है। कितने 12 वॉल्यूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो है वो 12 बल्कि वॉल्यूम से उसमें है। एक एक चीज को नोटिफाई किया गया है। जैसे आप देखा होगा, आप निश्चित बहुत जब कभी भी देखिएगा जब लोकसभा देखेंगे या राज्यसभा देखेंगे, कोई प्रोसीडिंग चल रहा होता है संसद जब अपने सत्र में होता है, तो आप देखेंगे ऊपर जो स्पीकर बैठा है या चेयरमैन बैठे हैं सभापति बैठे हैं उनके नीचे एक टीम बैठी होती है, पूरी एमपी बात नहीं कर रहा हूं, एमपी द्वारा बैठते हैं सर, नीचे एक टीम बैठी होती है। वो टीम जो होती है एक एक चीज की नोटिंग करती है, वहां रिकॉर्डिंग के साथ साथ नोटिंग करती है कोई चीज, तो पार्लियामेंट की एक एक बात को जो है रिकॉर्ड किया। उसी तरह से संविधान सभा के भी एक एक बात को रिकॉर्ड किया गया, उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये किताब की शक्ल में अगर देखा जाए तो 12 वॉल्यूम में है। कितने वॉल्यूम है? 12 वॉल्यूम में। तो भाई क्या मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि प्रारूप समिति संविधान सभा ने अपनी बनाई थी, इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसी प्रारूप समिति ने इसका संविधान का प्रारूप तैयार करके लिखे ड्राफ्ट करके, इसी में ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, ड्राफ्ट करने के लिए आते थे लोग और संविधान सभा डिस्कस होता था। एक लंबे टाइम तक ये चीज चलता रहा क्योंकि एक एक चीज पर डिबेट होना, बहस होना, उसको पास करना, उसको फिर उसका हिस्सा बनना, तो टाइम तो लगता है। इसलिए आप देख सकते हो कि पहली बैठक कब हो रही है और कब तैयार हो रहा है, काफी काफी लंबा वक्त जो है इसमें लग रहा है। तो अब तक जो हमने चीजें देखी हैं उसमें आपके याद करने की चीज है, एक तो ये कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, संविधान सभा है क्या चीज, संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनाई गई उसके लिए जो चुनाव हो गए, लोग चुन के लोग आए सदस्य उसको, तो वो जो बॉडी थी पूरी उसको संविधान सभा कहा गया। वही आज जो पार्लियामेंट देखते हो आप, जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, उसी पार्लियामेंट में ये लोग बैठे थे, उन लोगों से पहले इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता। तो इसकी इसका चुनाव संविधान सभा का जुलाई में हो रहा है, पहली बैठक दिसंबर 46 में, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो हमने डेवलपमेंट बताया था कि 1928-29 में नेहरू कमीशन रिपोर्ट आ रही है, जो संविधान लिखने का एक मामला शुरू हो रहा है कि भारतीयों ने संविधान में लिखा है, वो अलग बात है कि इसके सारे बहुत कुछ चीजें ली गई इस संविधान में। फिर कराची में ये रेजोल्यूशन लाना, ये प्रस्ताव लाना, ये हिसाब जो है हमारा संविधान इस तरह का होना चाहिए, ये चीजें इसमें होनी चाहिए। फिर 35 भारतीय सरकार का कानून या भारतीय सरकार अधिनियम नियम आया 1935 में, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने ये पूरा का पूरा संविधान निर्माण किया है। और जैसे हमने बताया आपको कि जब बैठक चालू हुई तो जाहिर सी बात है उस सभा को चलाने के लिए कुछ चाहिए होगा। जैसे आप देखते हो कि लोकसभा को चलाने के लिए आपके यहाँ स्पीकर होता है जिसको अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा को चलाने के लिए चेयरमैन होता है जिसको आप सभापति कहते हो, तो उसी तरीके से संविधान सभा को भी चलाने के लिए अध्यक्ष का होना जरूरी था जो सारे लोग लेके चले। तो वहां पर अस्थायी अध्यक्ष पहले बनाया गया था, अस्थायी, फिर से सुन लो और गौर से याद कर लो इसको, अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया था, लेकिन जो अध्यक्ष फिर चुना गया उस सभा के बीच में से वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया। ये सबसे सीनियर मेंबर थे, बड़े थे, वो बता सी को कर लिया गया था। बाकी तो ये याद रखना है दो चीज, उसको प्रारूप समिति बनाई गई, उनमें से जो लोग बहुत समझदार किस्म के थे, जो कानून के जानकार थे, माहिर थे, जो कानून बना सकते थे और जो है विधि तैयार कर सकते थे, उनकी टीम बनाई गई, उसी टीम को प्रारूप समिति कहते हैं। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो अम्बेडकर थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चूंकि प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और इस ड्राफ्ट कमेटी ने ही बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। डिबेट हुआ है उस पर, डिस्कशन हुआ है उस पर, बात बात हुआ है उस पर, लेकिन तैयार तो उन्होंने किया है, तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक लंबे जद्दोजहद, हाँ एक चीज और, जो भारतीय संविधान तैयार हो रहा है, ठीक है,
भारतीय संविधान इसको तैयार करने में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 299 है। कितनी है? 299 मेंबर्स ऑफ देयर 299 सदस्य हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे संविधान को तैयार किया। संविधान सभा के 299 मेंबर थे जो इस दिन संविधान तैयार करके दे रहे हैं। तो अब यहां पर एक सवाल है कि संविधान जो हमारा तैयार हो रहा है, तो संविधान को तैयार होने के बाद अब यहां से एक चीज हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो आप 26 नवंबर देख रहे हो, 26 नवंबर इस दिन को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कहते हैं इसको, अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया कि संविधान तैयार हो गया। मतलब ये आप सिंपल ये समझो कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया और इसको संविधान सभा ने मान लिया कि हमारे देश का संविधान है। तो 26 जनवरी को अंगीकृत कर लिया गया, कुछ चीजें सील है लागू भी बदिया सामने को सारे को रोक लिया गया। इसको जो इंप्लीमेंट किया गया, इसको जो प्रभावी तौर पर लागू किया गया, जिसको कहते हैं लागू किया गया, तो लागू जो किया गया वो 26 जनवरी को किया गया। संविधान को जो लागू, देखिए संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, ठीक है, जो आप सुन रहे हो 2 साल 11 महीना है और 19 दिन की 20 दिन कितना है वो, तो वो जो है वो यहां तक के लिए इतने में तैयार हो रहा है। अब 26 जनवरी इस दिन संविधान तैयार हो गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, मान लिया गया कि हमारा संविधान है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, इसको वेट किया गया 2 महीने का तकरीबन। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारे संविधान को लागू किया गया। तो यहां पर याद क्या करना है, यहां एक चीज को जो समझना है और अपने जहन में रखना है वो ये कि अगर आपसे पूछेगा सवाल कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब एडॉप्ट किया गया, इंग्लिश में कहते एडॉप्ट है, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कब इसको एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, तो वो डेट ये और ईयर ये होगा 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया, तो आप जो है 26 नवंबर 1950 कहोगे। इसीलिए अरे 26 जनवरी 1950 कहोगे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन पाया। और ये दिन जो है इसीलिए आज भी आप सब जानते हो, बचपन से मनाते आए हो कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो भी चुना हुआ सदस्य होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारे देश में इनडायरेक्टली है, अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया है, आप समझ रहे हो। तो ये जो 26 जनवरी है, आपको ये बात यहाँ पर बताने का मकसद है कि अगर आपसे पूछेगा कि हमारा देश आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947। अगर आपसे ये पूछेगा कि हमारा देश गणतंत्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो आप 26 जनवरी 1950 कहोगे। याद बात समझ गई, क्लियर है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जब संविधान की बात चली गई है, तो संविधान की कुछ चीजों को समझ लीजिए आप और उसको जरा जहन में रखिएगा। एक बात तो ये कि अब जो संविधान की किताब हमारी है उसकी बराबर कैसे है, जो उससे बहुत अच्छी चीजें आती हैं, वो क्या है, कैसे है, उन टर्म्स को समझना, उन चीजों को भी समझना जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा खंड,
हमारे संविधान को जो चैप्टर में बांटा गया उस चैप्टर नहीं कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें पार्ट कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें पार्ट कहते हैं और हिंदी में उन्हें खंड कहते हैं या भाग कहते हैं। हिंदी में उन्हें खंड या भाग कहते हैं। तो यहां पर एक बात समझना है कि पहली बात तो हमारा संविधान कितने खंड में बटा हुआ, 22 पार्ट्स, जो शुरू में था ये था, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें इसकी, इसे क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक चीज सुना होगा, एक चीज अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है अनुच्छेद को लेकर, अनुच्छेद किसको लेकर, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या चीज है, यहां पे पास समझना, ये अनुच्छेद, इसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद। कुछ लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, जिसको जो है आईपीसी केस में कहते हैं धारा, ये धारा अलग चीज है, ये सेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा था, सेक्शन, धारा, ये आईपीसी का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, बस ये, तो ये यहां इस्तेमाल होता है कि धारा 144 धारा जो है 320 धारा फलाना, धारा 307 धारा 302 बसवाई धारा 420, ये सब भारतीय दंड संहिता का हिस्सा है, इंडियन पेनल कोड कहते हैं इसको। संविधान में जो इस्तेमाल होता है वो आर्टिकल कहते हैं इसको, आर्टिकल, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, जो पहले इस चीज को समझा दूं कि क्या क्या चीजें हैं, टर्म समझ लीजिए आप, ताकि फिर आप किताब में देख के समझ सकते हो चीजों को। तो यहां पर एक बात जो आपको समझाने की वो ये थी कि संविधान में कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं आमतौर पर, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली है, ठीक है, उसका अटेंशन दीजिएगा आप लोग। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग वो भी देखेंगे कि हमें संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली है। अब अनुच्छेद, तो जैसे मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, आर्टिकल, अब आपको याद रहेगा ये आर्टिकल कहते हैं। और अनुच्छेद फिर बोल रहा हूं, फिर समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात, अनुच्छेद में और धारा में बहुत बड़ा फर्क है, धारा अलग चीज होता है, धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसमें बहुत लोगों का फिक्र होता है, कितने सारे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे पूछते रहते हैं जो बी ए फरा धमाका वाले हैं, LLB वाले, यार सर ये क्या मामला है, जो तैयारी कर रहे हैं BLB वाले। तो सेक्शन और आर्टिकल फर्क है, अनुच्छेद इस्तेमाल होता है संविधान में, कि संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान का अनुच्छेद 2, ठीक है, संविधान में जैसे मौलिक अधिकार का मामला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, ये वहां का मामला है। सेक्शन जो यूज होता है ये आपके आईपीसी में होता है, इंडियन पेनल कोड की, किसकी, किस धारा की उल्लंघन करेंगे आप तो क्या सजा मिलेगा आपको, और कौन सा क्राइम होगा आपका तो किस धारे में आ जाएगा। तो समझा की बात, यह है फर्क। दूसरी बात, ये हुआ खंड, इसका अनुच्छेद। अब जो अगली चीज है,
उसको कहते हैं सूची, अनुसूची, शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची, शेड्यूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल, अनुसूची। तो अनुसूची जो है, जब संविधान बना था हमारा, अब तो बढ़ के 12 हो चुका है, लेकिन उस टाइम में अनुसूची कितने थे? 8 थे। अब इसको हम करेंगे अलग से, 8। इसमें याद करना, ये बताने का मकसद ये है मेरा कि अनुसूची 8 जो है, इसी में दिया हुआ है आपके जबान के बारे में, भाषा के बारे में, कि किन किन भाषाओं को हमारे देश में जो है वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और एक बड़ी गलतफहमी के लोग शिकार ये रहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा इस टाइम हिंदी पढ़ रहे हैं, आप लोग चूंकि हिंदी मीडियम बच्चे हो, तो ये रहते हैं साहब हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ये सब फर्जी बात है, ये बेकार की वाहियात बात है। कुछ हिंदी के टीचर बेचारे जानते, जो जानते नहीं इसके बारे में, खड़े होते हैं घर से बोल देते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा। जब वो हिंदी दिवस वगैरह होता है, जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, उसके भाषण बड़े जोश लगे होते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं है वो चीज, तो वो राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का मामला इसका नहीं। तो ये अनुसूची जो 8 है, इसमें हमारे देश में किन किन भाषाओं को हमारा संविधान जो है मान्यता प्राप्त करता है, वो दिया हुआ है। तो ये अनुसूची याद रखना है, अभी उसको कल इस पर और फर्दर विश्लेषण करेंगे। अगली बात, संविधान की शुरुआत जो होती है आपके प्रारूप से होती है और प्रस्तावना से होती है, प्रस्तावना, इसी को आप प्रियम्बल कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहा जाता है, हिंदी में आप प्रस्तावना कहते हैं। बेसिकली संविधान में जो प्रस्तावना से शब्द आए, ये एक तरह से आईना है पूरे संविधान का, कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, रिफ्लेक्ट करता है उस आइडिया को, उन्हीं आइडिया से बुनियाद पर संविधान में तमाम तमाम जो है आपके अनुच्छेद बनाए गए हैं। जैसे बराबरी का अधिकार होगा, सबको जो है जस्टिस दिया जाएगा, सबको इंसाफ दिया जाएगा, किसी का भेदभाव नहीं है, ये तमाम चीज जो आती है, देश हमारा सिक्योर होगा। ठीक है, ये प्रस्तावना है, और प्रस्तावना की बुनियाद पर ही फिर उसी को एलोबरेट किया जाता है। तो प्रस्तावना को बेसिकली आप जो है एक तरह से आईना समझ सकते हो पूरे के पूरे संविधान का, और इसको आगाज भी समझ सकते हो प्रियम्बल का। और प्रियम्बल प्रस्तावना जो बेसिकली, कुछ ना कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं, आप मत होइएगा, प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना चार चीजों के साथ समझा रहा हूँ। एक तो प्रस्तावना जानने क्या चीज है, हमने खंड बना दिया क्या चीज होता है, हमने अनुच्छेद बना दिया क्या चीज होता है, हमने ये भी बता दिया कि अनुच्छेद में और धारा में क्या फर्क है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि संविधान की धारा इतना में गागे, नहीं, धारा अलग चीज है, धारा इंडियन पेनल कोड का हिस्सा है, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसमें धारा चलता है कि धारा 302, धारा 307 में फंस गए, और जो है 420, धारा 320 फंस गए। संविधान की जब बात करेंगे तो वहां आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है। ये बड़े बड़े एंकर बैठ के टीवी चैनल में रबड़ी करते हैं, इसलिए आपको ये रबड़ी ना करिए। दूसरी चीज अनुसूची, हम जो सुनते हैं ना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जो SC ST कहते हैं हम लोग, ये बेसिकली यू जातियां हैं, वो समाज के लोग हैं जिन जातियों को इन अनुसूचियों में दर्ज किया गया है। तो उसी की बुनियाद पर जिन जनजातियों किया गया है उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिन जातियों किया गया है उनको अनुसूचित जाति कहते हैं। इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, SC अक्सर सुनते होंगे आप लोग, या अगर हम लोग जनजाति की बात करो तो ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो इन्हीं अनुसूचियों में, एक अनुसूची में इन लोगों के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है, इसीलिए उनको अनुसूची। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, कल इसका थोड़ा सा और इलैबोरेशन, और हमने संविधान को किन किन हिस्सों को, जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, कहां कहां से लिया है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, तो आपका ये सेगमेंट है मुकम्मल है इंशाल्लाह। तो आप थोड़ा मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, ताकि इंशाल्लाह आपका ध्यान हो पाए, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।